सो फॉर द डिस्कशन ऑफ टेस्ट आई होप आप सबने नंबर सेंड कर दिए अपने. फर्स्ट क्वेश्चन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इसमें से कौन सा पेयर था? NaCl एंड कॉपर, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम, फेरस सल्फेट एंड सिल्वर, नो AgNO3 एंड कॉपर. सो योर करेक्ट आंसर वॉज AgNO3 एंड कॉपर. ठीक है. द केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ पीस ऑफ कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन. इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू इक्वेशन ऐसे थी, Cu plus HNO3, it gives a CuNO3 twice plus H2. And H2 plus HNO3, it gives water and nitrogen dioxide. What can be inferred for the chemical change? इसमें से आप क्या inference निकालते हो? Copper causes oxidation of HNO3 to NO2. Hydrogen gas get oxidized by HNO3 to form water. Hydrogen gas reacts with oxygen in the air to form water and nitrate reacts with hydrogen to form water. हाँ जी, what is the correct answer? B, जिसमें हम क्या कहते हैं कि hydrogen gas जो है वो किसमें oxidize हो गई है? Water में, by the HNO3. क्योंकि HNO3 जो है वो कैसा एजेंट है? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. व्हिच एसिड इज यूज्ड इन कोला टू गिव इट अ बाइटिंग शार्प टेस्ट? टार्ट्रिक एसिड इज द करेक्ट आंसर. केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडा एश इज Na2. और ये कैसे बनता है जब हम किसको हीट करते हैं? Na2CO3 सोडा एश कैसे बनता है? किसको? वॉशिंग सोडा को. बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? Assertion: Zinc becomes dull in moist air. Reason: Zinc is coated by a thin film of its basic carbonate in moist air. करवाया था उस दिन मैंने. ठीक है. So the correct answer is both are true and R is the correct explanation of A. HCl is stronger acid than acetic acid. Assertion true है. On dissociation, reason suno. HCl yields less hydrogen for the same concentration. So, kya answer correct hai? Assertion is true and reason is pH is defined as a negative log of H positive ion. Ye aapki case study thi. Isme ab aapne ye batana hai ki B agar aqueous solution hai acid ka aur Q agar aqueous solution hai base ka. So, when these two solutions are diluted separately, to kya hoga? डाइल्यूट से क्या होगा? कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी. एसिड जो है उसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी. सो इट विल शिफ्ट टू विच पीएच साइड? मोर पीएच साइड. ठीक है. और जो बेस है उसकी पीएच कम होनी शुरू हो जाएगी. ओके. सो विच इज द करेक्ट आंसर? फर्स्ट, पीएच ऑफ पी इज इंक्रीजेस एंड पीएच ऑफ द क्यू इट डिक्रीजेस. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेस्ट. So today we will be discussing about first chapter. ठीक है, first chapter करते हैं आज. चलिए, write down. Magnesium ribbon is rubbed before burning because it has a coating of magnesium. को rub किया जाता है burn करने से पहले. उसके ऊपर कौन सी coating होती है initially? बेटा magnesium oxide तो बाद में बनता है. Magnesium ribbon को पहले rub करते हैं. Yes, there is a coating of magnesium carbonate. CO3 2 negative.
नेक्स्ट राइट डाउन ओके बैलेंस करो इसको बैलेंस दिस इक्वेशन एंड गिव मी द आंसर बेटा बैलेंस दिस इक्वेशन एंड गिव मी द आंसर 3Fe नाउ बैलेंस दिस Cu plus HNO3, ZuNO3 twice, NO2 plus water. चलिए इसको बैलेंस करो यू आर बैलेंसिंग इस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड ठीक है कोई बात नहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे बैलेंस करो पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के पहले सारी चीजें बैलेंस करो बेटा सॉल्व इट ऑन योर कॉपी सॉल्व करो पहले आपके पास नहीं है कुछ सॉल्व करने को एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं आपने उनको बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना ठीक है हाँ जी एनीवन कार्बोनेट की भी होती है नाइट्रोजन भी होती है अरे वो तो आफ्टर बर्निंग है ना बिफोर बर्निंग के पहले कौन सी लेयर होती है नाइट्रोजन की भी हो सकती है कार्बोनेट की भी है ऑप्शंस देख लेने अगर उसमें नाइट्रोजन है वैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है Mg3N2 बनता है ठीक है कार्बोनेट की भी कोटिंग होती है कहाँ जो है उसी को ही आपने बैलेंस करना है तो बैलेंस करो हाँ जी एनीवन हु हैज बैलेंस्ड दिस इक्वेशन दिलप्रीत आपको ज्यादा जल्दी थी एसर्शन रीजन की बताओ चलो ये बताओ हाँ जी आंसर एनीवन 2HNO3 टू सी यू भी आएगा एनओ थ्री के साथ क्या लगाऊं बैलेंस्ड है ऑक्सीजन कहां से लाऊं मैं जो बैलेंस जो इक्वेशन गिवन है आपने वही बैलेंस करनी है इधर नाइट्रोजन कितने हैं टू प्लस वन थ्री है इधर नाइट्रोजन कितने हैं वन लिख लेते हैं पहले नाइट्रोजन के अलावा दूसरा एलिमेंट है कॉपर इधर कॉपर वन है तो इधर कॉपर कितने हैं वन है यानी कि पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ठीक है इधर थ्री है अगर सपोज इवन हमने इवन नंबर्स में लेके जाना होता है क्योंकि ऑड वालों की हम बैलेंसिंग नहीं कर सकते सपोज इफ आई मार्क फोर हेयर तो फोर ये बैलेंस हो गया ऑड था ना ऑड नंबर को तो मैं बैलेंस नहीं कर सकती तो अभी इवन इवन में कन्वर्ट कर लिया दिस इज फोर एंड फोर अब कॉपर तो बैलेंस है दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करो अब
इधर कितने हाइड्रोजन हैं? वाटर में टू बैलेंस आ जाएगा, तो उधर फोर हो गए। फोर थ्री सा ट्वेल्व, थ्री टू सा सिक्स, छ और चार दस, और दो बारह, हो गए बैलेंस। तो मैं आपको कितनी देर से क्या बोल रही हूँ कि सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो चीजें हैं उनको बैलेंस किया करो। चलिए राइट डाउन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें से आपने बताना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है। राइट डाउन, KClO3 इट डीकम्पोज टू गिव KCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। MgO प्लस वाटर इट गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स, विद रीजनिंग बताना है आपने। हाँ जी बोलिए बेटा। सेकेंड हैंड एनीवन एल्स? हाँ जी, और कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? ये भी तो कॉम्बिनेशन ही है, इसमें भी तो दो चीजें कंबाइन कर रही हैं। क्या क्या? सो दैट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जो चीजें हैं वो कंबाइन करके आपको एक प्रोडक्ट देती हैं। बट दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर द जिंक हैज डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो द करेक्ट आंसर इज सेकंड एंड थर्ड। राइट डाउन द नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्विक लाइम, विनीत बताएगी। स्लेक लाइन क्या होता है? अच्छा, कार्बोनेट वाला स्लेक लाइन हो जाता है, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, तीन चीजें लिखती हूँ, इधर आओ, फर्स्टली स्टैंड हियर। इधर खड़े हो मेरे पास, इधर देखो बोर्ड की तरफ। एक ये चीज है, द सेकेंड वन इज दिस, थर्ड इज दिस, एंड फोर्थ इज दिस। इसमें से क्विक लाइम कौन सा है, इसमें से स्लेक लाइम कौन सा है? हाँ दोनों बताने हैं, एक क्विक लाइम डिसाइड कर लो, एक स्लेक लाइम डिसाइड कर लो। दिस इज क्विक लाइम। अच्छा लगता है आपको बेटा, पेपर सर पे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज विनीत, हाल देख लो अपना। हाँ जी, हाँ हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट को। अच्छा अनदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का और क्या नाम है? ब्लीचिंग। और भी है एक नेम, देयर इज अनदर नेम दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2 को, ठीक है। तो अगर आपको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड लिखा जाता है, दैट इज ऑल्सो द ब्लीचिंग पाउडर। क्या लिखा जाए? कैल्शियम, ओके, सो दैट इज ऑल्सो द ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी नाम तो है ना उसका, लिख लो अगर कहीं से आ गया तो। चलिए राइट डाउन, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
accompanied by liberation of heat. This process is called flaking of lime. ठीक है जी, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है विद द लिबरेशन ऑफ हीट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म इट सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर. विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड सॉल्यूशन फॉर्म. इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7. The pH of the resulting solution will be less than 7. चलिए, the pH will be more than 7 क्योंकि basic solution होता है और solid calcium oxide reacts vigorously with water. That means तो reaction कौन सी है, exothermic है. हम हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो दोनों रिएक्ट करके जो रिएक्शन हो रही है दैट इज विग्रस रिएक्शन. सो दैट मींस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड इट्स पीएच विल बी मोर देन 7. दिस इज द करेक्ट आंसर. हां जी, एक्सोथर्मिक है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय येलो कलर ऑफ द प्रोडक्ट. किसमें आते हैं येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स, लेड, लेड की रिएक्शन में. ठीक है, व्हेन द लेड ऑक्साइड, क्या फॉर्मूला होता है लेड ऑक्साइड का, सो लेड ऑक्साइड इज हीटेड, इट गिव्स यू, ठीक है, व्हाई वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन द डार्क कलर्ड बॉटल्स. इन इन तरह की रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शंस कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं. ठीक है, और द टाइप ऑफ रिएक्शन इज फोटोलिसिस, जिसमें वो जो सब्सटेंस है वो किसके साथ कंबाइन कर जाती है, जो भी आप हीट दे रहे हो उसके कारण उसकी क्या हो जाती है, डीकंपोजिशन होती है. जैसे AgCl है, AgBr है. वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क बॉटल, डार्क कलर्ड बॉटल्स में क्यों स्टोर करते हैं, टू अवॉइड इट्स कॉन्टेक्ट विद द लाइट, सनलाइट के साथ. ठीक है जी, इसमें से आपने बताना है कि कौन सी डीकम्पोजिशन जो है वो थर्मल डीकम्पोजिशन है. थर्मल का मतलब वेयर हीट इज इन्वॉल्व. Why last? Okay, so last one is the correct answer. Write down, a substance X is used in whitewashing and is obtained by heating limestone in the absence of air. Identify X. A substance X is used in whitewashing and is obtained by heating limestone in the absence of air. We need limestone. क्या था? अच्छा, quick lime क्या था? Flake lime. सारे भी नीत हैं. सेकंड ऑप्शन कौन सी थी बेटा? यू आर नॉट एट ऑल सीरियस इन द क्लास. सीरियस नहीं बैठे हो, क्या नोट किया फिर बताओ उसमें से स्लेक लाइन कौन सा लिखा मैंने. मैंने बाहर निकाल देना आपको.
जस्ट टेल मी द फॉर्मूला ऑफ स्लेक लाइन. हाँ जी क्या कहते हैं इसको और अनदर नेम. सिट डाउन. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज. हाँ जी स्टैंड अप कीर्ति. लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बोलो. लेड नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला है बोलो बोलो बेटा और ऊंची बोलो थोड़ा सा. बेटा SN कौन सा एलिमेंट है तो फिर आप SN क्यों बोल रहे हो. मैं तो लेड पूछ रही हूँ आपसे. चुप कर जा. दिलप्रीत है PbNO3. लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट. एनओ. ठीक है बेटा पेपर में भी आप इससे पूछ लेना ये बता देगा आपको. चलो रिएक्शन कंप्लीट करो. हाँ रिएक्शन कंप्लीट करो. सो दैट इज एंड व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस. और यहाँ पे बैलेंस्ड है. A powdered salt X in a dry test tube was heated that evolved brown fumes of nitrogen dioxide and a yellow residue of some oxide. The salt is कौन सा वाला. ये वाला कि ये वाला. और जो fumes निकले हैं brown color के. Salt कौन सा है. उन्होंने कहा है कि रेजिड्यूज निकले हैं. द रेजिड्यू येलो कलर के रेजिड्यूज हैं एंड द ब्राउन गैस इज इवॉल्व. तो येलो कलर के रेजिड्यूज किसके हैं और जो ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व हुई है डेट इज इसके ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं याद रखना है. ओके सिट डाउन. A powdered salt in a dry test tube was heated that evolves brown fumes of nitrogen dioxide and a yellow residue of some oxide is formed. The salt is. Electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis are. Kitni aati hai? 1:1, 2:1, 4:1, 1:2. लिखो जरा रिएक्शन लिखो. हाइड्रोजन
डिकॉम्पोजिशन किसकी कर रहे हो आप? वाटर की कर रहे हो। एच टू ओ लिखो, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी, उसको बैलेंस करो, तो डैट विल बी 2:1 रेशो। चीजें लिख भी लिया करो। A student added dilute hydrochloric acid to the test tube containing zinc granules and had the following observations. Zinc surface becomes dull and black. Gas evolved which burns with a pop sound. Zinc and HCl. The gas remained colorless. The solution remained colorless. The solution becomes green in color. एक ही ट्रू है। That is the gas which evolves with a pop sound. बताया तो था, कौन सा क्वेश्चन था वो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या? हाँ जी, क्या कहते हैं बेटा, बताओ जरा उसको। लाइमस्टोन को क्या कहते हैं? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, देन कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। तो स्लेक्ड लाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देता है? लाइमस्टोन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा मार्बल इट विल डिपेंड, कैल्शियम के जो ऑक्साइड्स हैं, कार्बोनेट है उसको भी हम मार्बल कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में यूज करोगे तो उसकी मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है और वो कैल्शियम हो। ठीक है, क्या हो गया? कलर नहीं कोई आएगा, ओनली गैस विल बी फॉर्म। अच्छा, व्हाट हैपेंस इफ वी यूज इन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में स्लेक लाइन में मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी। क्यों, क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा उसमें। ठीक है, ड्यू टू दैट द मिल्कीनेस इट विल डिसअपीयर। करना पता नहीं क्या है आपने, सब कुछ आता है आपको, पता नहीं। द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विच प्रेसिपिटेट्स? सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है, बेरियम सल्फेट तो बनेगा, प्रेसिपिटेट्स का कलर कौन सा होगा? व्हाइट, ग्रीन, रेड और ब्लू। सो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट दे आर फॉर्म। ओके, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। इसमें से बताओ कौन सी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुई है और कौन सी रिड्यूस हुई है। टू होती है, जल्दी बोलो, इसमें से ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? हैं, किसकी ऑक्सीडेशन हुई है? ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई है और कॉपर की